आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने मेरी डॉटर को 2.5 साल की एज में A to Z लिखना सिखा दिया था, कैसे उसने क्विकली ये चीज ग्रेस्प की, कौन कौन सी टेक्निक्स मैंने अपने डॉटर के लिए यूज किया था, वो सारी चीजें इन डेप्थ में आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा, यू आर वाचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। सहूलियत से इस वीडियो को देखना और सुनना, और आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टिप्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है बच्चे को राइटिंग सिखाने के लिए या ABCD सिखाने के लिए, कि बच्चे को पेंसिल होल्ड करना आना चाहिए। और ये आप अपने बच्चे को 1.5 साल 1 साल के बच्चे को भी स्टार्ट करा सकते हैं। उस एज पे आपने अपने बच्चे को सिर्फ पेंसिल दे देना है, या फिर जो थोड़े से थिक मोटे क्रेयॉन्स आते हैं वो आपने दे दीजिए, जिससे कि बच्चे उनको स्क्रिबल करेंगे। उससे एक पेपर पे उनको अच्छे से स्क्रिबल करने दीजिए, जिससे कि उनकी ये जो इन फिंगर्स की मसल्स होती हैं वो अच्छे से स्ट्रांग होंगी। इसके साथ साथ पैरेलली आपने एक और एक्टिविटी करना है, जो क्ले आता है, क्ले से बच्चे को खेलने देना है। क्योंकि क्ले से जब बच्चे क्ले को प्रेस करते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे की जो हैंड्स की मसल्स है वो स्ट्रांग होती है, जो कि आगे चल के उनको राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो क्ले वाली एक्टिविटी करानी है जब बच्चा आपका 1 साल का हो जाता है तभी से, और दूसरा जो है वो एक मोटे क्रेयॉन से बच्चे को स्क्रिबल करने देना है। एक प्लास्टिक वाले क्रेयॉन्स भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। उससे बच्चे को थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये भी बच्चे की राइटिंग आगे चल के बहुत ही सुंदर बनाने वाला है। तो ये 2 एक्टिविटीज आपको 1-1.5 साल से ही शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो भी आप ये एक्टिविटी शुरू करा सकते हैं। ये 15 दिन तक उसको अच्छे से स्क्रिबल करना है। तो अगर वो कभी वॉल्स पे लिखता है या कभी पेपर फाड़ देता है तो दैट इज टोटली फाइन, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 एक्टिविटी है ये बेसिक है, ये नींव है बच्चे के आगे लिखावट कितनी सुंदर होगी उसके लिए। जब ये 2 एक्टिविटीज आप करा रहे होंगे 15-20 दिन बाद आपने दूसरी एक्टिविटी जो शुरू कराना है वो ये कि आपने बड़े बड़े लाइन्स के जो डॉटेड लाइन्स रहेंगी ट्रेस करने वाला, वो आपने गूगल से प्रिंट आउट ले लेना है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, कभी जिगजैग वाला, कभी कोई अलग शेप होगा, पर बहुत बड़ी पिक्चर्स होंगी। वो आपने डाउनलोड करना है और अगले 5 दिन तक आपने बच्चों को यही ट्रेस करवानी है। इसकी जितनी शीट्स वो ट्रेस कर सकता है उतना ट्रेस कराना है। इससे बच्चे को ये आइडिया लगेगा कि जो डॉट्स होते हैं इन पे ट्रेस करना होता है। इसके बाद में जो 3rd स्टेप रहेगा कि अब आपने जो ABCDs की जो बुक्स आती हैं जिनमें पूरा डॉटेड रहता है, जिसमें एक भी ब्लॉक ऐसा ना हो कि बच्चे को बिना डॉट के लिखना हो, मतलब हर बार उसको डॉट से ही लिखना है। तो आप ऐसी शीट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और Amazon से भी बहुत सस्ती बुक आ जाती हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। तो एक तो आप गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा जो है Amazon पे बुक्स आती हैं, तीसरा जो है एक Amazon पे राइट एंड व्हाइट वाली बुक आती है, जिसमें कि आप लिखाएंगे बच्चे को किसी स्केच पेन से और वो पेपर से या किसी कपड़े से वाइप करेंगे तो वाइप हो जाएगा और वापस बच्चा उस पर लिख सकता है। इसके रिव्यू भी आई थिंक मैंने मेरी डॉटर के लिए मंगाया था जब मैंने किया था। तो अगर मेरे को मिला वीडियो तो लिंक नीचे दे दूंगी, नहीं तो Amazon का लिंक नीचे दे दूंगी। तो वो बुक भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जो डॉटेड वाले ABCDs है ये बच्चे को मिनिमम 3 से 4 बार लिखना पड़ेगा, तब उसको दिमाग में आता है, या तब उसको ये आइडिया लगता है कि किसी भी लेटर को बिना डॉट के कैसे ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये राइट एंड व्हाइट वाली बुक मंगा लीजिए, और ये जो डॉटेड वाला है ये अब अगले कई दिनों तक प्रैक्टिस कराइए। मतलब जब आप A लेटर ले रहे हैं तो A लेटर को ही 2 से 3 दिन आपने ट्रेस करवाना है, और बीच में आपने बच्चे को ऐसे ब्लैंक पेपर देना है और उसे पूछना है कि A कैसे बनाते हैं। इससे बच्चे को A to Z लिखना भी आ जाएगा और A to Z अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और ये आप 2 साल की एज पे, 1.5 साल की एज पे भी शुरू करा सकते हैं। A को आपने 3 डेज दिए, B को आपने 3 डेज दिए, और दूसरा एक ये भी चीज कर सकते हैं कि आप पहले स्टैंडिंग और स्लेंटेड लाइन वाले अल्फाबेट्स करा दीजिए और बाद में जो कर्व्स वाले आते हैं वो आपने कराइए। जैसे कि S को ट्रेस करना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन वाला लेटर्स को आप ट्रेस करा लीजिए, जैसे कि A, E, F, T, H, I, इस तरीके के जो लेटर्स हैं आप इनको ट्रेस करा सकते हैं। पहले आपने कैपिटल लेटर से ही ट्रेस कराना स्टार्ट कराना है, क्योंकि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कर्व्स एंड सर्कल्स होते हैं, दैट इज वाई बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैपिटल लेटर से ही आपने इन बच्चों को ट्रेस कराना शुरू करना है। जब आप A to Z बच्चों को करा लेंगे, हर लेटर में आपने 2 से 3 दिन दे रहे हैं, अब आपका बच्चा 2-3 महीने में बहुत अच्छे से अल्फाबेट्स सारे उसको लिखना आ जाएगा, सारे अल्फाबेट्स का रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगा, और उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब एक दिन में अगर आप अपने बच्चे को 15 मिनट 20 मिनट भी लेके बैठ तो बहुत आराम से 2 पेज कर सकता है एक लेटर के। और ये प्रैक्टिस जो है वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी उसके A to Z उसको लर्न कराने में। मेरी डॉटर ने इसी तरीके से ABCD सीखे हैं। जब वो 3 साल की थी तभी से वो अपना A to Z तक का पूरा A to Z अपने आप लिख लेती है बिना देखे, क्योंकि ये जो हम मेथड यूज करते हैं इससे बच्चे को A to Z लिखना भी आता है, उसको वो सीक्वेंस भी याद रहता है, प्लस उसको पूरा मतलब उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं बिना देख करके भी A to Z अपने आप अच्छे से लिख सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।